चाणक्य के समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है दांडी मार्च। दांडी मार्च जो भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो नमक सत्याग्रह से संबंधित है। ये इसलिए भी संबंधित है कि भारत को आज़ादी दिलाने में इस मार्च का बहुत बड़ा योगदान है। नमक अपने आप में भारतीय संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नमक के बारे में कहा जाता है कि जब भी किसी इंसान को अपनी ईमानदारी प्रदर्शित करनी होती है तो नमक का ही हवाला दिया जाता है। कहा जाता है कि ये इंसान नमक हलाली पे काम कर रहा है। जब किसी को कसम खानी होती है तो नमक की ही कसम खाई जाती है। कर्ज उतारना होता है तो बोला जाता है कि मैं अपने नमक का कर्ज अदा कर रहा हूँ, और इस तरह की बातें की जाती है। तो व्यक्तिगत तौर पे भी, भावनात्मक रूप से भी नमक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और इसी नमक का गांधी जी ने बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया था भारत को आज़ाद कराने के लिए। हाल फिलहाल में ये चर्चा में क्यों है, आइए देखते हैं। गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी तक महात्मा गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ दांडी मार्च निकाला था। 12 मार्च से ये मार्च निकाला गया था और इसी की 91वीं वर्षगांठ अभी मनाई गई है 12 मार्च को। इस मौके पर प्रधानमंत्री जी ने उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए 386 किलोमीटर तक की दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाई, और इसी दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत की आज़ादी के 75 साल का जश्न मनाने के लिए अमृत महोत्सव की शुरुआत की। ये अमृत महोत्सव 1.5 साल तक चलेगा। 2022 में भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है और ये अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। तो अब हमें देखना है कि दांडी मार्च नमक सत्याग्रह आखिर है क्या और इसके क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह को। 12 मार्च 2030 को गांधी जी ने नमक विरोधी कानून के विरोध में दांडी मार्च यानी कि दांडी यात्रा निकाली थी। यह अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक निकाली गई थी, और इस यात्रा में 78 अनुयायियों ने उनके भाग लिया था, और इसे ही नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह कहा जाता है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 12 मार्च से 5 अप्रैल 2030 तक ये 24 दिवसीय यात्रा थी, और ब्रिटिश नमक एकाधिकार के विरोध में ये थी, और ये कर प्रतिरोध के अभियान के रूप में इसको देखा गया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। 1920 के दशक में असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन के बाद ये सबसे संगठित आंदोलन में से एक है जिसने भारत को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही इस आंदोलन में सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया था। ये आंदोलन पूरे एक साल तक चला था और 1931 में गांधी इरविन समझौते के साथ ये समाप्त होता है। तो ये है दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह की पूरी बात। इसके अलावा इसमें कुछ और इसके महत्व क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत इसी से मानी जाती है। इस आंदोलन ने संपूर्ण देश को अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा और संगठित कर दिया था और इसे व्यापक जन संघर्ष में तब्दील कर दिया था। व्यापक जन संघर्ष का जन्म यहीं से माना जाता है। गांधी जी को 5 मई को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इससे पहले वो ना केवल भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस हो चुके थे और भारत की आज़ादी के अग्रदूत बन चुके थे। तो ये इसके कुछ महत्व है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि गांधी जी ने इस दांडी मार्च का आह्वान क्यों किया था। बात 1882 की है। नमक अधिनियम आता है, और नमक अधिनियम अंग्रेजों की तरफ से आता है भारत में, और जिसके तहत नमक के निर्माण और बिक्री पर अंग्रेजों का एकाधिकार हो जाता है। भारत के तटों पर नमक फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद था। बावजूद इसके अगर हमें नमक की बिक्री करनी है या नमक बनाना है, दोनों के लिए हमें जो है टैक्स देने पे मजबूर होना पड़ रहा था, टैक्स देना पड़ रहा था स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होने के बावजूद। गांधी जी ने फैसला किया कि अगर कोई ऐसा उत्पाद है जिसके जरिए हम नागरिकों को अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा कर सकते हैं तो वो है नमक।
क्यों खड़ा कर सकते हैं, नमक का इस्तेमाल हम क्यों कर सकते हैं, इसके बारे में मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल थोड़ा सा आपको बता चुकी हूँ। हवा और पानी के साथ नमक शायद जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। गांधी जी इसको भावनात्मक रूप से खुद के साथ भी जोड़ के देख रहे थे और वो ये समझ पा रहे थे कि जो चीज़ मेरे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है वो देश के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होगी। लेकिन नमक सत्याग्रह के लिए कांग्रेस उनके साथ खड़ी नहीं थी। कांग्रेस के नेताओं में, कांग्रेस कार्यकारिणी की समिति में इसमें विरोधाभास था। इसके साथ ही उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने भी इसको गंभीरता से नहीं लिया। उनको लगा कि ऐसे आंदोलन तो होते ही रहते हैं। उनको नहीं पता था कि इतना महत्वपूर्ण होगा और इतना बड़े स्तर पर ये फैल जाएगा, तो उसको इन्होंने भी उसको गंभीरता से नहीं लिया। 8 मार्च को अहमदाबाद में गांधी जी ने दांडी मार्च की घोषणा कर दी। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस भी होता है, तो याद करने में वैसे भी ये इम्पॉर्टेंट डेट वैसे भी है कि 8 मार्च को जो है दांडी मार्च की घोषणा की गई थी, तो इसके साथ इसका आह्वान किया गया। अब हम देखेंगे कि इस पूरे मार्च के दौरान क्या क्या हुआ था। मार्च की पूर्व संध्या की बात है, अहमदाबाद का साबरमती आश्रम, शाम को पूरे अहमदाबाद में बहुत उत्साह था, लोग आश्रम में इकट्ठा हुए हुए थे, साथ में वो अनुयायी भी वहाँ पर मौजूद थे जो मार्च में हिस्सा लेने वाले थे। पूरी रात भर वो लोग वहीं रुके और उन्होंने अपने चलने वाले साथियों को इकट्ठा किया और 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने जो है ये यात्रा शुरू की, जिन 78 लोगों में सिर्फ पुरुष थे। इसके साथ ही इन 78 अनुयायियों में बहुत सारे लोग थे जो कि भारत और भारत के बाहर से थे, जैसे दक्षिण अफ्रीका से मणिलाल गांधी थे जो कि गांधी जी के सुपुत्र भी हैं। इसके अलावा भारत से बहुत सारे लोगों ने इसमें भाग लिया, जैसे कि गुजरात से सबसे ज़्यादा लोगों ने इसमें भाग लिया, गुजरात से 31 लोग थे, उसके बाद महाराष्ट्र से इसमें 13 लोग थे, संयुक्त प्रांत केरल, पंजाब, सिंध, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से एक एक सदस्य इसमें शामिल था। गांधी जी ने 5 अप्रैल को दांडी यात्रा के स्थल पर पहुंचे। गांधी जी 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे और वो समुद्र तट पर गए और जो नमक की ढेरी पड़ी थी बनी हुई प्राकृतिक रूप से, उसको उन्होंने हाथ में उठाया और नमक कानून को तोड़ा। नमक कानून का ये जो कृत्य था ये प्रतीकात्मक था और पूरे न्यूज़पेपर और हर जगह पे बात फैली और इसी कृत्य को बाद में दोहराना शुरू किया गया पूरे भारतवर्ष में। तो इस तरीके से ये पूरा इसका घटनाक्रम हुआ। अब हम देखेंगे कि दांडी के अलावा नमक कानून कब और कहाँ 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 और तोड़ा गया था। मुख्य रूप से सी राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से वेदारण्य की यात्रा की थी, यहीं पर उन्होंने यहाँ पहुँचकर नमक कानून को तोड़ा। उसके अलावा असम में लोगों ने इकट्ठा होकर सिलहट से नो आखली तक की यात्रा की थी, यहाँ पर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। और वायकॉम सत्याग्रह के नेताओं में, जिनमें के लप्पन और टी के माधवन शामिल हैं, इन्होंने कालीकट से पयानूर तक की यात्रा की थी और यहीं पर इन्होंने इस कानून को तोड़ा। इसके साथ ही पर्टिकुलर नमक सत्याग्रह पे और दांडी मार्च पे हमने मोटा माटी सारी बात कर ली है। आज का हमारा टॉपिक लगभग जो इम्पॉर्टेंट उसके फीचर्स थे हमने उस पर बात कर ली है। अब हम देखेंगे आज के प्रश्न को। आज का प्रश्न है, दांडी मार्च से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, गुजरात में साबरमती आश्रम से दांडी तक महात्मा गांधी की अगुवाई में ऐतिहासिक नमक मार्च किया गया था। कथन दो, सी राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की थी और यहीं पर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा भी था। उपरोक्त में से असत्य कथन है, विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। कमेंट सेक्शन में आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा, आप अपने उत्तर वहां पर अवश्य दीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में अब आप देखते हैं कि पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब क्या है। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था, सेरोविक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो इसका उत्तर है 2016 में। ये हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री को दिया गया है, इसलिए चर्चा में भी था। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं।
फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। और हमारे इस वीडियो और अन्य वीडियो से संबंधित PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर सारे PDF उपलब्ध है। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।